अरे भाई क्या बात है, तुम इतने शांत क्यों बैठे हो? क्या बताऊं भाई, जब से इस जंगल में आए हैं डर डर के ही रह रहे हैं। तुम तो अभी नए आए हो यहाँ। पर बात क्या है ये तो बताओ, तुम्हारे दुखी होने का क्या कारण है मेरे दोस्त? मैकू भाई, इस जंगल में एक लोमड़ी ने हमारे जाति का जीना हराम किया हुआ है। हर दिन कोई ना कोई इस लोमड़ी का शिकार हो जाता है। ये कहानी है एक लोमड़ी और मुर्गी जाति की। एक लोमड़ी ने इस जंगल में रहने वाले मुर्गी जाति का जीना हराम किया हुआ था। मानो बस मुर्गों की जाति ही उसका भोजन हो। आए दिन लोमड़ी किसी ना किसी मुर्गे को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाती और मारकर उसे खा जाती। इस डर से जंगल में सभी मुर्गे मुर्गियां बाहर निकलने से डरते थे। एक दिन की बात है, लोमड़ी जंगल में भ्रमण कर रही थी, तभी उसकी नजर मैकू मुर्गे पर पड़ी। अरे वाह, इतना लजीज मुर्गा है, अगर आज ये मिल जाए तो रात के भोजन में मजा आ जाता, चलकर बहलाती हूँ। वैसे भी ये जंगल में नया लग रहा है। लोमड़ी मुर्गे के पास जाती है और बोलती है, अरे मुर्गा भाई, तुम क्या इस जंगल में नए आए हो? आज से पहले तक तुमको कभी नहीं देखा यहाँ। हाँ हाँ लोमड़ी बहन, मैं यहाँ नया आया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो अभी तक तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं बना होगा। एक काम करो, तुम मुझसे दोस्ती कर लो, हम खूब मस्ती करेंगे, साथ खेलेंगे, साथ रहेंगे। हाँ हाँ जरूर, मुझे तुम्हारी दोस्ती मंजूर है। ये हुई ना बात, चलो जल्दी से नीचे आ जाओ अब मेरे दोस्त। दोस्त मैं ऊपर ही ठीक हूँ, मुझे यहाँ बहुत आराम मिल रहा है, तुम वहीं से बात करो मुझसे आज, फिर कभी खेलेंगे। लोमड़ी समझ गई कि मुर्गा बहुत चालाक है, इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगा। चलो कोई बात नहीं, फिर हम कल मिलते हैं, मुझे जरा एक काम याद आ गया, मैं काम करके आती हूँ। ठीक है लोमड़ी बहन, तुम अपना काम कर लो जाके। लोमड़ी वहां से चली आती है और आगे आकर सोचने लगती है कि कैसे इस मुर्गे को अपनी जाल में फंसाया जाए। इस मुर्गे को एक दिन अपना भोजन अवश्य बनाऊंगी, आज का मौका हाथ से चला गया, पर अगली बार नहीं बचेगा ये मुर्गा। बड़ी आई थी मुझे बेवकूफ बनाने, बेवकूफ लोमड़ी। लोमड़ी अब मैकू पर नजर रखने लगी कि कब मैकू उसे अकेला मिले और वो उसे अपना शिकार बनाए। तुमको पता है टीकू, कल वो लोमड़ी मुझे मिली थी जिसकी तुम बात कर रहे थे। मुझे पेड़ से उतारने का बहुत प्रयास किया, पर मैंने उसकी चाल कामयाब नहीं होने दी। मैकू भाई, तुम भी जरा उससे बच के रहना, तुम इस जंगल में नए आए हो तो तुमको बहलाने फुसलाने की कोशिश करेगी। पता नहीं दोनों क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। वैसे भी यहाँ शिकार फंसने वाला नहीं है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। लोमड़ी वहां से निकल जाती है। कुछ दिन बाद लोमड़ी जंगल से गुजर रही थी, तभी उसे मैकू दिखाई दिया। आज का ये मौका बहुत अच्छा है इस मुर्गे को अपना शिकार बनाने का। लोमड़ी मुर्गे से बोलती है, अरे मैकू भाई, जब से तुम मेरे दोस्त बने हो मुझसे मिलते ही नहीं, क्या तुम भी मुझसे डरते हो? डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं हूँ लोमड़ी बहन, फिर तुमसे क्यों डरूंगा भला? देखो मैकू, मेरे पास एक अच्छी कहानी है तुमको सुनाने की, अगर तुमको सुनना है तो नीचे आ जाओ। कहानी तो मुझे बहुत पसंद है, चलो सुनाओ। अरे मैकू भाई, जरा मेरे गले में खराश है, इतना ऊंचा नहीं बोल पाऊंगी, तुम नीचे ही आ जाओ। ठीक है लोमड़ी बहन, थोड़ी देर रुक जाओ, बस मेरा दोस्त भी आ ही रहा है, फिर हम दोनों साथ मिलकर तुमसे कहानी सुनेंगे। अरे वाह, एक से भले दो, सोने पे सुहागा हो गया एकदम, एक मुर्गे के साथ दूसरा मुर्गा फ्री, ये तो वही बात हो गई, बाई वन गेट वन फ्री। थोड़ी देर में कुत्तों की भौंकने की आवाज आती है। लो आ गया मेरा दोस्त, बस अब हम दोनों तुमसे कहानी सुनेंगे। वैसे भी मेरा दोस्त खाना छोड़ कर आया है मेरे बुलाने पर,
तो बहुत भूखा है, जल्दी ही सब खत्म कर देगा। ये सुनते ही लोमड़ी वहां से दुम दबा के भाग गई और फिर कभी इस जंगल में दिखाई नहीं दी। कभी किसी को बेवजह तकलीफ ना पहुंचाए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले।